आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह इंडिया न्यूज संवाददाता एहसान रिजवी से खास बातचीत किए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। संजय सिंह आज हमारे साथ हैं। सर, इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन एनडीए आपने जिस तरह से उसके अनुसार परिणाम नहीं था, वजह क्या है? देखिए, मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया, उनकी 160 सीटें कम हुई, कितने पे संख्या है आज 240। अब उनको एक बैसाखी की सरकार चलानी है जिसका उनको अनुभव है। एनडीए की एक सरकार 13 दिन में गिरी थी, एक सरकार 13 महीने में गिरी थी, तो एनडीए की दो सरकारें अलग अलग मौके पर गिर चुकी हैं, 13 दिन एक 13 महीने, ये तो 6 महीने में गिरेगी सरकार। और उसकी वजह यह है कि अब ये पार्टियों को तोड़ने में जुटे, पार्टियों के साथ तोड़फोड़ करने में लगे, तो इसको तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और जवाब देंगे। दिल्ली और पंजाब में देखा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की आंधी चल रही है, लेकिन वो आंधी वोटों में तब्दील नहीं हो पाई, वजह क्या? देखिए, 3 सीट हम पंजाब में नजदीकी लड़ाई में हारे हैं और एक सीट तो हम 4000 वोट से हारे हैं। और जहां तक प्रश्न है दिल्ली के सीटों का, हम बहुत विषम परिस्थितियों में चुनाव लड़े, हमारे सारे नेता जेल में थे और उन विषम परिस्थितियों में भी हमारी पार्टी को अच्छा वोट मिला है। हाँ, हम जीत नहीं पाए हैं तो उसकी हम समीक्षा करेंगे, बैठेंगे और आगे फिर काम करेंगे। विपक्ष कैसे भूमिका निभाया था? आप स्पीकर को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। स्पीकर बीजेपी का नहीं होना चाहिए, स्पीकर अगर बीजेपी का होगा तो 3 खतरे हैं। नंबर 1, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। नंबर 2, सांसदों को निलंबित करके बाहर किया जाएगा। नंबर 3, पार्टियां तोड़ी जाएंगी। तो अगर अपनी अपनी पार्टियों को बचाना है सबको, तो उसके लिए जरूरी है कि गैर बीजेपी। असम के सीएम हेमंत